नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आज सावन का दूसरा सोमवार है, यानी शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन और शिव का सबसे प्रिय दिन। मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे अधिक प्रिय होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की भक्ति और उन पर जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। चूंकि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं, ऐसे में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाए तो वो प्रसन्न होते हैं और सभी की मुरादें पूरी करते हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भोले के भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े और भोले शंकर का जलाभिषेक पूरे तन मन के साथ संपन्न किया। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कनखल स्थित दक्ष प्रजापति ये शिव शंकर भोलेनाथ जी की ससुराल है और ऐसा माना जाता है कि एक महीना सावन के महीने में शिव शंकर भगवान जी यहीं पर निवास करते हैं और यहाँ जल चढ़ाने का बहुत ही पौराणिक महत्व है। यहाँ जल चढ़ाने से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। चतुर्मासा भगवान शिव की इसी श्रावण महीने से प्रारंभ होता है। इन चार महीनों में भगवान शिव की ही सत्ता रहती है। भगवान शिव ने सतयुग सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी तभी भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं और अपने ससुर राजा दक्ष को ये वरदान दिया था कि हे राजा दक्ष, तुम्हारा मस्तक कटने के बाद तुम्हें महसूस हुआ कि शिव ही सृष्टि का संचालक है और शिव ही सर्वत्र है, अतः मैं तुम्हारे ही नाम से यहाँ पर जाना जाऊंगा और तुम्हारे इस कटे हुए धड़ के रूप में ही विराजमान रहूंगा। तो भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में नहीं, कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है। जैसे गर्दन कटने के बाद आकृति जिस प्रकार की हो जाती है, वैसे ही रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। क्योंकि भगवान शिव ने यह भी वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में सती की कमी को पूरा करने के लिए मैं कनखल में ही निवास करूंगा, तो भगवान श्रावण के महीने में इसी जगह पर कनखल में ही निवास करते हैं, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे मान्यता रखी जाती है कि पूरा सावन का महीना शिव शंकर जी यहीं पे जो अपनी प्रार्थना है वो पूरी करते हैं। अपनी जो मनोकामनाएं है, हर मनोकामना यहाँ आने से पूर्ण होती है, ये महत्व माना जाता है। ये बहुत पुराना मंदिर है, सदियों से चला आ रहा है। आज जैसे कि सावन का दूसरा सोमवार है, लोग आ रहे हैं सुबह 4 बजे से, लोग लाइनों में लगे हुए हैं और जल का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है दक्ष मंदिर की, भोलेनाथ यहाँ से सृष्टि का संचालन करते हैं। एक श्रवण मास में ऐसा राजा दक्ष को उन्होंने वरदान दिया था कि सावन के महीने में सृष्टि का संचालन यहीं से करेंगे और इस मंदिर की ऐसी मान्यता है दक्ष महादेव की कि दूध दही घी बेलपत्र इत्यादि का अगर अभिषेक भोलेनाथ को किया जाए तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा विश्वास है, भोलेनाथ उनका नाम ही भोले हैं तो भगवान भोले इनका, तो ये भी मान्यता है कि एक लोटा अगर गंगा जल इन पर अर्पित किया जाए तो जो भक्त आ रहे हैं जहाँ जहाँ से पूरे देश से पूरे लोगों आकर जल अभिषेक कर रहे हैं तो जल अभिषेक करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बात करेंगे अगली खबर को लेकर देहरादून से। अगली खबर है सावन के दूसरे सोमवार में उमड़ी भीड़, कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर लिया गया फैसला। वहीं दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के कारण पूरी तरह से बंद, कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए सोमवार से 2 अगस्त तक हाईवे को रखा जाएगा बंद। हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए रहेंगे आरक्षित। कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय केतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रुड़की से हमारे साथ नरेंद्र संवाददाता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अभय, जिस तरह से देहरादून में कांवड़ियों की संख्या को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार संख्या बढ़ेगी, हाईवे को आरक्षित भी किया गया और हाईवे को 2 अगस्त तक के लिए बंद भी कर दिया गया है, क्या कुछ इंतजाम है?
जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में जो कांवड़िए इस समय आ रहे हैं गंगाजल लेने के लिए, जो कांवड़ियों की इस समय भारी संख्या यहां पर पहुंच रही है, उसमें सुरक्षा के लिहाज से निर्णय यहां पर लिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों कई घटनाएं यहां पर देखने को मिली थी, कुछ लोगों के साथ आपसे ये नोकझोंक या फिर मारपिटाई तक की नौबत सामने आई थी, तो उसको देखते हुए अब ये कह सकते हैं कि दिल्ली हरिद्वार जो हाईवे है उस हाईवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए हाईवे यहाँ पर सुरक्षित करने का काम किया गया। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से कांवड़ियों के लिए सुरक्षित यहाँ पर रखे गए हैं। यानी इस दौरान जो कांवड़िए यहाँ पर आ रहे हैं या जो जा रहे हैं उस हाईवे का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, गाड़ियाँ किसी प्रकार से उस हाईवे पर नहीं चलने दी जाएगी। उसके अलावा जो दूसरे वैकल्पिक मार्ग हैं उन मार्गों का इस्तेमाल जो वाहनों की आवाजाही है उसके लिए वहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से इस समय भारी संख्या में यहाँ पर कांवड़िए पहुँचे हैं उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा जगह जगह पुलिस की जो टीमें हैं उन टीमों को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार से भोले के भक्तों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। उनके लिए मार्गों से जो पहचान यानी जो मार्गों से संबंधित जो जानकारी चाहिए वो उन्हें त्वरित समय पर मिलती रहे, उन सब चीज़ों की पूरी व्यवस्था वहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। आगामी 2 अगस्त तक के लिए निर्णय यहाँ पर रखा गया ताकि किसी भी प्रकार से इस समय जो लाखों की संख्या में कांवड़े यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, वो बल्कि सुगमता के साथ गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकें और सकुशल वहाँ पर पहुँच सकें। क्योंकि सावन के इस पवित्र माह में जिस प्रकार से कांवड़ियों का आने का सिलसिला शुरू होता है और बाबा भोले की पूजा अर्चना वो यहाँ पर करते हैं, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि प्रशासन लगातार उनकी सुविधा के लिए हर वो प्रयास यहाँ पर कर रहा है जिससे उनकी यात्रा सफल हो सके। जी जी बिल्कुल, तो कांवड़ियों की यात्रा सफल करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हाईवे को पूरी तरह से बंद किया गया है और कांवड़ियों के लिए आरक्षित भी किया गया है। इसके साथ ही साथ हाईवे अगर बंद किया गया है तो रूट किस तरह से डाइवर्ट किया गया है, आने वाले जो लोग हैं क्या उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है क्योंकि अगर वो इस हाईवे का उपयोग करते हैं तो इस हाईवे के उपयोग में समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से वहाँ पर कांवड़ियों की भीड़ इस समय आ रही है या जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ है उससे उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। क्योंकि जाम की जो स्थितियाँ उस समय बन रही थी उस स्थिति से निपटने के लिए निर्णय यहाँ पर लिया गया है, बल्कि जो हाईवे के अलावा जो दूसरे जो मार्ग हैं वैकल्पिक जो मार्ग हैं उन मार्गों पर कांवड़ियों को भेजने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो हाईवे है उसी हाईवे से ही कांवड़ियों को आने जाने का रास्ता वहाँ पर दिया जाए, बल्कि जो दूसरे मार्ग छोटे मार्ग जिन मार्गों को वैकल्पिक के तौर पर इस्तेमाल कांवड़िए क्या करते थे उन्हें भी अब ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिहाज से हाईवे की तरफ से उनको भेजने का काम वहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से कोई ऐसी परेशानी वहाँ पर ना हो जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हो और कांवड़ियों का जो मार्ग है वो मार्ग वहाँ पर बाधित रहे या उसमें जाम की परेशानी देखने को मिले। इसलिए जिला प्रशासन की तरफ से निर्णय यहाँ पर लिया गया, 2 अगस्त तक के लिए निर्णय प्रभावी रहेगा। 2 अगस्त के बाद जैसे ही कांवड़ यात्रा में कमी आनी शुरू हो पाएगी तो फिर जो हाईवे है उस हाईवे को पुनः वापस यातायात के लिए यहाँ पर खोल दिया जाएगा और जो कांवड़ियों की जो संख्या में जो कमी आएगी उसके अलावा फिर जो हाईवे का जो एक तरफ का जी बिल्कुल, अबे आप बने रहिएगा हमारे साथ नरेंद्र भी रुड़की से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरह से देहरादून में तमाम इंतजाम किए गए हैं अबे जानकारी दे रहे थे, रुड़की में कांवड़ियों को लेकर क्या विशेष इंतजाम है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास किया गया है? तो मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ SSP द्वारा हरिद्वार द्वारा नासन बॉर्डर से लेकर डंडेरा हो लक्सर हो लंडेरा हो उसको डाइवर्ट किया गया 28 तारीख से। जी बिल्कुल, तो 28 तारीख से डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा कांवड़ियों को लेकर सड़क पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या रुड़की में भी सड़कों को कांवड़ियों के लिए विशेष तौर से खाली कराया गया है? सभी मैं आपको बताना चाहता हूँ सहारनपुर से गोल चक्कर रुड़की को होकर लक्सर लंडोरा और हरिद्वार जाने का रास्ता छोड़ा गया है। जी बिल्कुल नरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब है जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कांवड़ियों के लिए दिल्ली देहरादून हाईवे को 2 अगस्त तक के लिए बंद किया गया है, साथ ही साथ सड़कों के दोनों छोर को आरक्षित किया गया है।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर टिहरी से है जहां कांवड़ियों की सकुशल वापसी हुई है। आपको बता दें कि बूढ़ा केदार क्षेत्र में भटके 21 कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बूढ़ा केदार क्षेत्र में 21 कांवड़ियों का एक समूह गंगोत्री से लौटते समय रास्ता भटक गया था। इस बचाव अभियान में बूढ़ा केदार क्षेत्र में कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर भारी बारिश की दृष्टिगत पहले से ही तैनात एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने सभी 21 कांवड़ियों को भारी बारिश के बीच दुर्गम पहाड़ी मार्ग और उफनाती नदी के किनारे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कांवड़ियों का ये समूह 21 लोग जिसमें शामिल थे, इलाके में सड़क की हालत खराब होने के कारण अपना रास्ता भटक चुका था। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का आज टिहरी दौरा भी है, जिसके तहत आज बूढ़ा केदार आपदा का जायजा लिया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ चारल हेड अवनीश प्रेमी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से बूढ़ा केदार में भटके 21 कांवड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, इसमें सफलता मिली है एसडीआरएफ की टीम को, क्या कुछ पूरी जानकारी है और किस तरह की हालत में है इस समय कांवड़िए? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। इसी बीच तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम ने 21 कांवड़ियों को रेस्क्यू किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा भटके हुए 21 कांवड़ियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। सभी कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि बूढ़ा केदार क्षेत्र में अपनी यात्रा के दौरान ये कांवड़िए रास्ता भटक गए थे, जिसके बाद भारी बारिश और उफनाती नदी के बीच फंसे हुए थे। ऐसे में एसडीआरएफ की पहले से तैनात टीमों ने मदद करके इन सभी 21 कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बड़ी सफलता एसडीआरएफ की टीम को यहां पर मिली है और इसके साथ ही साथ गढ़वाल कमिश्नर ने भी स्थिति का जायजा लिया है। बूढ़ा केदार आपदा क्षेत्र का जायजा लेने के लिए पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर, सभी 21 कांवड़ियों को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। नव निर्वाचित विधायक लखपत बुटोला ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि कांग्रेस पार्टी बद्रीनाथ विधानसभा से ज्यादा मतों से केदारनाथ उपचुनाव जीतेगी। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि बद्रीनाथ हमारी पहली विधानसभा है और मैंगलोर विधानसभा उत्तराखंड के भौगोलिक नजरिए से आखिरी विधानसभा है। दोनों ही विधानसभा को लोगों ने हाथों हाथ लिया है और कांग्रेस को जीत दिलाई है। बुटोला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी ने लोकतंत्र और जनतंत्र को कुचलने के लिए लाठी डंडे चलाए। दोनों विधानसभा में जमकर धनबल का प्रयोग किया गया, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता ने एकजुट होकर बदलाव किया है। राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ता पार्टी के विधायक दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव नहीं जीत पाए और रूलिंग पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ हमारी पहली विधानसभा है और मंगलोर हमारी आखिरी विधानसभा मानी जाए अगर उत्तराखंड के भौगोलिक नजरिए से देखा जाए। और दोनों जगह आपने देख लिया कि लोगों ने हाथों हाथ लिया, इन्होंने लोकतंत्र को जनतंत्र को कुचलने के लाठी डंडे तक चला गए, धन बल का प्रयोग किया गया, लेकिन जनता में लोकतंत्र की यही खूबी है कि जनता ने परिवर्तन किया और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जब सत्ता पार्टी के विधायक चुनाव नहीं जीत पाए, रूलिंग पार्टी चुनाव हार गई, ये पहली बार हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में लोग इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लेकर हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर लोग सजग है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग बहुत जल्दी चाहते हैं 2027 आए तो
तो हम जवाब दें और सरकार को बदलने का काम करें। जहां तक आपने केदारनाथ की बात कही है, केदारनाथ में दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पे जो विधायक सम्मान्य विधायक जी थी उनकी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृत्यु हुई है। वो पहले हमारी पार्टी के साथ भी रही, हमारे लोगों के उनसे व्यक्तिगत रिश्ते भी रहे, लेकिन क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की वजह से चुनाव हो रहे वहां पर, तो ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो आपने बद्रीनाथ के अंदर देखा उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ केदारनाथ में हम जीतेंगे। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर, बारिश को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक ने जारी किया अलर्ट। देहरादून पौड़ी चंपावत में भारी बारिश के आसार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भी भारी बारिश की संभावना। राज्य के बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार, प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, बताया जा रहा है कि देहरादून पौड़ी चंपावत इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, उत्तराखंड में अभी भी ये कह सकते हैं कि मौसम का जो पूर्वानुमान है उस पूर्वानुमान में आज 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। देहरादून पौड़ी आपका चंपावत नैनीताल बागेश्वर जनपद में और उधम सिंह नगर जनपद में भारी बारिश की बात मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर कही गई है। लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से असुविधा का सामना उन्हें ना यहाँ पर करना पड़े। और पिछले दिनों जिस प्रकार से लगातार भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिली है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड में लगातार आसमान से जो बारिश बरस रही है ये आफत की बारिश है और राज्य में जान और माल दोनों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अभी भी प्रदेश में 100 से ज़्यादा सड़कें लगातार इस भारी बारिश के चलते अवरुद्ध यहाँ पर हो रही है और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि लोगों को और एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। जी जी बिल्कुल, तो लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट तो जारी कर दिया गया, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संभावित जो जगह है जहां पर भूस्खलन या लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है उसको देखते हुए SDRF की टीमों को वहां पर तैनात कर दिया गया। जिला प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को समय रहते हुए उन क्षेत्रों से वहां पर हट जाने के लिए यहां पर अपील की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से असुविधा या कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो सके। नदी किनारे वाले जो क्षेत्र है वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जिस प्रकार से भारी बारिश हो रही है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और लोगों को नदी किनारे ना जाने की अपील वहां पर की जा रही है। इसके अलावा जो पहाड़ी मार्ग हैं जहां पर लैंडस्लाइड या भूस्खलन की घटनाएं सबसे ज़्यादा हो सकती है, उन क्षेत्रों पर लोगों को यातायात या यात्रा करने के लिए ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है तो खासतौर पर पहाड़ी मार्गों पर जहाँ पर लोग गाड़ियों से सफर तय कर रहे हैं वहाँ पर भारी बारिश की दशा में वो यात्रा ना करें, बल्कि सुरक्षित स्थानों पर रहकर इंतजार करें। जब मौसम साफ होगा तो उन्हें यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है। कुमाऊं मंडल में ज़्यादातर भारी बारिश देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कुमाऊं मंडल का जो प्रशासन है उनको एहतियात बरतने के लिए पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है। जी जी बिल्कुल, तो प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं और लोगों को चेतावनी भी दी गई है। साथ ही साथ आपको जिस तरह से उत्तराखंड से सूचना निकलकर सामने आ रही है कि भारी बारिश के चलते ज्यादा से ज्यादा सड़कें वहां पर बंद हो चुकी हैं, ऐसे में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसके लिए क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, प्रशासन की तरफ से सभी अवरुद्ध सड़कों को खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जिन जगहों पर JCB पहुँचाई गई है या जिन जगहों पर JCB तैनात है वो लगातार वहाँ पर काम करें और जो मार्ग अवरुद्ध है उस मार्ग को खोलने का वो प्रयास वहाँ पर करें। लेकिन जिस प्रकार से भूस्खलन की घटनाएँ लगातार हो रही है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पहाड़ी मार्गों पर ज़्यादा परेशानी जो ग्रामीण सड़कें वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है, कोशिश ये की जा रही है पूरे प्रदेश भर में कि जो 200 से ज़्यादा JCB तैनात की गई है वो इन अवरुद्ध मार्गों को खोलने का प्रयास करें। जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे सभी संभावित जो गांव हैं जहां जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ वहां पर जो खाद्य सामग्री या दवा की जो आवश्यकता है
उसको SDRF या जो जिला प्रशासन की जो आपदा कंट्रोल जो टीमें हैं उनके माध्यम से पहुंचाने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर, खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों से बातचीत करें, स्वयं मॉनिटरिंग करें ताकि आपदा की इस घड़ी में राज्यवासियों की जो परेशानी है उसका समाधान निकाला जा सके। जी बिल्कुल अभय, तो जानकारी आपने दी, प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उत्तराखंड में जिस तरह से भारी बारिश के चलते स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कटान का क्षेत्र है या फिर लोगों के घर और जहां वो रह रहे हैं वो जगहें सुरक्षित नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए प्रशासन के द्वारा क्या इंतजाम किया गया है, क्या विस्थापन की प्रक्रिया लगातार चल रही है? देखिए, अभी ये कहा जा सकता है कि आपका जैसे टिहरी जनपद का जो बूढ़ा केदार वाला जो क्षेत्र जो घनसाली के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जिस प्रकार से गांव के ऊपर भूस्खलन की घटना हुई थी तो 40 से ज़्यादा ऐसे मकान थे जो इस समय ये कह सकते हैं कि खतरे की जद में वहाँ पर हैं, जो रहने लायक नहीं है। ऐसे में उन सभी परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से उन सभी परिवारों को इस समय ये कह सकते हैं कि जो आपदा राहत राशि है जो तत्काल मिलनी चाहिए उनको देने का काम वहाँ पर कर दिया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन उन सभी परिवारों के रहन की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था उसको देखने में यहाँ पर उसकी व्यवस्था करता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरे खतरे की जद वाले उन्हें भी विस्थापित किया जा रहा है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर, उत्तराखंड में बारिश से नुकसान जारी। प्रदेश में बारिश के चलते 121 सड़कें बंद, सबसे ज्यादा चमोली में 28 सड़कें बंद, तो वहीं पिथौरागढ़ में 26, देहरादून में 25 सड़कें पूरी तरह से बंद, उत्तरकाशी में 6 और टिहरी में 12 सड़कें बंद। तो प्रदेश में बारिश के चलते 121 सड़कें बंद पड़ी हुई है। सबसे ज्यादा पौड़ी में सड़कें बंद बताई जा रही, चमोली में 28 सड़कें बंद, तो वहीं उत्तरकाशी में 6, टिहरी में 12 सड़कें बंद, पिथौरागढ़ में 26, तो देहरादून में 25 सड़कें बंद बताई जा रही हैं। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना इस मॉनसून के सीजन में करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मॉनसून का सीजन पहले ही खतरनाक होता है, ऐसे में भारी बारिश के चलते लोगों की परेशानी लगातार जारी है, नुकसान लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते 121 सड़कें बंद होने के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना मॉनसूनी सीजन में करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चमोली में 28 सड़कें बंद। और इसी खबर पर हमारे साथ मौसम निर्देशक विक्रम सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विक्रम जी, जिस तरह से यहां पर सड़कों की संख्या बताई जा रही है, 121 से अधिक सड़कें बंद बताई जा रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में संख्या अगर देखी जाए तो वो भी काफी ज्यादा संख्या है, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए किया जा रहा है? देखिए, इस समय जब बारिश की बात करें उत्तराखंड में तो अच्छी बारिश लगातार चली रही है और अभी 2 से 3 दिन आगे भी बात करें तो उसमें अच्छी बारिश पड़ने वाली है। आप कैसे कोई हैवी से वेरी हैवी रेन जो कल और परसों अगर बात करें तो जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे जो लगे डिस्ट्रिक्ट में उसमें सभी में रहेगी और अंदर के भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी हैवी रेन जो है कहीं कहीं पर मिलती रहेंगी। कुमाऊं रीजन में थोड़ी ज्यादा संभावना है। तो बिल्कुल सड़कें जगह जगह बंद है, गवर्नमेंट की तरफ से तो जो कोशिशें करी जा रही हैं या उसके लिए जो मैन एंड मशीनरी है वो लगी है, लेकिन जब नंबर ऑफ जो लैंडस्लाइड है इस तरह की चीजें बढ़ जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो चीजें में समय लगता है। जी बिल्कुल, कोशिश तो गवर्नमेंट की तरफ से है। बिल्कुल जी विक्रम जी, जिस तरह से 5 जिलों में कहीं ना कहीं अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है, ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा लोगों को क्या सावधानी बरतने को कहा गया है, किस तरह से इस खतरनाक मौसम में लोग सुरक्षित रह सकते हैं? बिल्कुल, अभी ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें तो कल और परसों खासकर ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है जिसमें की देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल या पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन डिस्ट्रिक्ट के कलर परसों कहेंगे तो हैवी से वेरी हैवी रेन की इनमें संभावना है। बाकी डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो हैवी तक की तो वहां पर भी संभावना है। तो जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनको चाहिए बहुत धैर्य के साथ आवागमन करें, जो प्रशासन निर्देश देता है उसको फॉलो करें और इसके साथ साथ काफी अलर्ट रहना है। खासकर रात में भी देखेंगे तो जो अभी एक्टिविटी 3-4 दिन मिलने वाली, इसमें मैं विशेष कहना चाहूंगा कि रात के समय ज्यादा एक्टिविटी मिलेगी, दिन में धूप निकल रही है अभी आजकल जो है जी। तो कन्वेक्शन ज्यादा हो जाता है और उसमें थोड़े समय में भी ज्यादा बारिश मिल जाती है, तो जो फ्लैश फ्लड है, लैंडस्लाइड है, ये चीजें और बढ़ेंगी जो है।
तो लोगों को काफी सतर्क रहने की। जी बिल्कुल विक्रम सिंह जी, इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।